Thank <laughs> you.

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग अरेंज नहीं करी है द फोर्थ वन इज द सीओपी टेक्स प्लेस एनुअली हर साल होती है सीओपी लेकिन इंडिया ने कभी होस्ट नहीं करी है इंडिया इसका सिग्नेटरी भी नहीं है एंड लीगली बाइंडिंग नहीं है इसमें से आपको करेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना है और आंसर देना है कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए वीडियो देखने के साथ आपको पता चल जाएगा इनके आंसर क्या है और एंड में मैं भी बताने वाला हूं इसका आंसर क्या है तो शुरू करते हैं हम साइट से साइट्स की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले जब हम 1960स में चल रहे थे तो हमें हमने देखा कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रही थी तो उनको कंजर्व करने के लिए IUCN 1963 में एक रिजोल्यूशन पास करता है टू कंजर्व दीस स्पीशीज स्पेशली दोज आर थ्रेटनड वन राइट तो उसको एक्सेप्ट जब करते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस के रूप में साइट्स कन्वेंशन निकल के आती है इन द ईयर ऑफ 1975 ठीक है तो 1975 में ये फोर्स में आ जाती है कन्वेंशन सबसे बड़ी बात ये है कि लीगली बाइंडिंग है मतलब वंस यू आर इन दिस एग्रीमेंट ना तो आपको इंप्लीमेंट करना ही होगा देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू इंप्लीमेंट दिस कन्वेंशन राइट सो दिस इज लीगली बाइंडिंग फॉर द पार्टीज नंबर वन नंबर टू दिस इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड यस रिमेंबर वन मोर थिंग दिस इज द ओनली कन्वेंशन ये एक मात्र कन्वेंशन है दैट एक्चुअली रेगुलेट्स द ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज खतरे में है उनका ट्रेड को कंट्रोल करने की रेगुलेट करने की एक मात्र कन्वेंशन है दैट इज द ओनली कन्वेंशन राइट सो आपको ये याद रखना है एम हमने देख लिया टू रेगुलेट द ट्रेड एंड द सेकेंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द्वार्टर इज बेस्ड इन जेनेवा क्योंकि इसको जो एडमिनिस्ट्र करता है दैट इज इज यूनेप यूनेप यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम तो ये में सिचुएटेड है और यही एडमिनिस्टर करता है इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होती है इसी की मिलती है यूनेप की राइट right? तो आईओसीन का 1963 का रेजोल्यूशन जिसके बाद ये बन के आती है इसको जो सपोर्ट करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है दैट इज यूनेप राइट लीगली बाइंडिंग है ओके नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सीओपी So, इसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है दैट इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है हर साल नहीं होती है ये हर तीसरे साल में होती है आ, हर थर्ड ईयर में होती है अर्लियर देन थर्टीन सीओपी इट वॉज दर्टीन सीओपी आफ्टर दैट इट इज एक्चुअली हैपनिंग एवरी थ्री ईयर अदरवाइज ये हर दो साल में होती थी एवरी टू ईयर में होती थी तो रिमेंबर ये कभी भी एनुअली नहीं होती है ये आपको याद रखना है एवरी थ्री ईयर अभी होती है टोटल वन एटी थ्री प्लस पार्टी एंड इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है इसलिए इंडिया के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाती है ये ठीक है तो ये आगे बात करते हैं अब ये तो हमने समझ लिया कि ये करती क्या है अब करती कैसे है दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन तो अब हम समझते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द स्पीसीजर देर आर थ्री अपेंडिक्स राइट तो थ्री अपेंडिक्स में अपन ने सबसे पहले बात करेंगे अपेंडिक्स वन की तो so, अपेंडिक्स क्या होता है the list of something, right? so, क्या है लिस्ट ऑफ समीज आर मैं इनको आप ध्यान रखना की दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन अगर उनको आपने रेगुलेट नहीं किया उनके ट्रेड को रेगुलेट नहीं किया तो सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू बी एक्सटेंट राइट तो right? so, उनको कंजर्व करने के लिए उनको बचाने के लिए आपको क्या करना है इनको अपेंडिक्स वन में डालना है जैसे ही आपने उनमें अपेंडिक्स वन में डाल दिया द ट्रेड विल बी रेगुलेटेड और आई कैन से प्रोहिबिटेड उन पे ट्रेड जो है वो प्रोहिबिट हो जाता है प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट वन पर्पज राइट एक्सेप्ट रिसर्च पर्पज आर एन डी परपज के अलावा इसका ट्रेड नहीं होगा जो भी स्पेसी मेंशन है इसमें उनका ट्रेड नहीं होगा एक्सेप्ट आर एन डी परपज इसमें एक चीज और ध्यान रखना द कंट्री जो है जहां से वो स्पेसी सेंड की जा रही है दूसरी कंट्री को तो दोनों ही कंट्री को एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ परमिट आर रिक्वायर्ड मतलब जिस कंट्री से ओरिजिनेट हुई है एसपीसी जा रही है दूसरी कंट्री में तो दोनों ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट परमिट चाहिए होती है इस तरह की में ध्यान रखना राइट right? जैसे इसमें एग्जाम्पल आप देखो तो गुरीला जो है वो इसमें डाला हुआ है हमने ठीक है तो ऐसे इंपोर्टेंट स्पीसीज दो विच आर एट दर्ज ऑफ एक्सटेंशन तो उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं रिमेंबर वन थिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन अपेंडिक्स वन इज हाइएस्ट राइट अब बात करते हैं अपेंडिक्स टू की तो अपेंडिक्स टू में डिग्री ऑफ जो प्रोटेक्शन है थोड़ी सी कम हो जाती है बट स्टिल द ट्रेड इज रेगुलेटेड वन बट यहां पे ध्यान रखना ट्रेड इज रेगुलेटेड बट ओनली एग्जिट ओनली एक्सपोर्ट परमिट इज रिक्वायर्ड इन अपेंडिक्स टू एक्सपोर्ट परमिट इज रिक्वायर्ड और यहां पे आपको इम्पोर्ट परमिट नहीं चाहिए होती है ये याद रखना तो इसमें जैसे आप कह सकते हो लोयन इसमें आ जाते हैं कुछ इंपोर्टेंट आपके कॉरल्स भी इसमें आ जाते हैं सो दीज टू आर द अपेंडिक्स विच आर रेगुलेटेड विद रेस्ट्रिक्शन राइट इसमें हाइएस्ट डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन है इसमें थोड़ा सा कम है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इज लेसर इन इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट वन राइट

और एनी कंट्री जो भी कंट्री है वो वांट टू कंजर्व एनी स्पेसी कैन बी नॉमिनेटेड हेयर कोई भी कंट्री है दूसरी कंट्री से क्लोज कोऑपरेशन चाहते हैं तो अपेंडिक्स थ्री में डलवा सकते हैं कोई भी एक कंट्री बोल सकती है बट इन केस ऑफ एडिशन और अमेंडमेंट इन दीज टू अपेंडिक्स जो है वो दैट इज टू बी डिसाइडेड बाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओनली तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये

लिस्ट कंट्रोल्ड है मतलब हो सकता है राइट right? तो ये है आपके तीन अपेंडिक्स इसमें आपको ध्यान रखना है अपेंडिक्स एंड नाउ ये हमने समझ लिया अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करना है टू ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज अबाउट अपेंडिक्स वन स्पीसी राइट अपेंडिक्स वन स्पीसी तो इस केस में यहां पे जो स्पीसी है इसका एक्सपोर्ट परमिट भी होगा एंड इंपोर्ट परमिट भी होगा राइट right? एक्सपोर्ट परमिट एंड इंपोर्ट परमिट एंड दर्पज वुड बी ओनली एंड ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट नथिंग कमर्शियल ट्रेड जो है वो नहीं हो सकता ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ अपेंडिक्स वन राइट इन केस ऑफ अपेंडिक्स टू ओनली एक्सपोर्ट परमिट इज रिक्वायर्ड नो ये इंपोर्ट परमिट नहीं चाहिए होता है ठीक है यह ध्यान रखना इसकेस में आपका ट्रेड जो है वो हो सकता है कमर्शियल ट्रेड भी हो सकता है बट एक्सपोर्ट परमिट के साथ राइट द थर्ड वन इज जो आपका अपेंडिक्स थ्री है उसमें आपका ट्रेड जो है हो सकता है नो परमिट आर रिक्वायर्ड बट द थिंग इज कि आपका यहां पे जो प्रैक्टिस होगी वो रेंज कंट्रीज के बीच में होती है जनरली और यहां पे कंजर्वेशन के लिए आप अपील करते हैं ठीक है तो ये है अपेंडिक्स वन टू थ्री और आई थिंक आपको अब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा तो ये था हमारा साइट्स कन्वेंशन ओके अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन समझते हैं पहला स्टेटमेंट है द साइट्स इज नॉट लीगली बाइंडिंग तो हमने अभी देखा जस्ट नाउ वी टोल्ड अबाउट दिस नो दिस इज लीगली बाइंडिंग ठीक है तो द स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग वन सेकंड इज इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी नो दिस इज रॉन्ग इंडिया इज ए सिग्नेट्री राइट सो वन एंड टू बोथ आर रॉन्ग द थर्ड इज क्लोज दिस ऑप्शन ठीक है वन एंड टू ओके इंडिया हैज ने सीओपी साइट्स नहीं इंडिया ने थर्ड सीओपी हुई थी न्यू डेली में उसको होस्ट किया था तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग दी ओपी टेक्स प्लेस एनुअली तो हमने अभी देखा कि पहले दो साल में होती थी एक बार थर्टीन सीओपी से पहले और अभी तीन साल में एक बार होती है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग द आंसर वुड बी नन ऑफ द अबाउ आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा साइट कन्वेंशन समझ में आ गई होगी लीगली बाइंडिंग है आई होप तो आपको सही लगा होगा इन सभी प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए मौजूद हैं आप हमें वहां पे जाके जुड़ सकते हैं हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.